हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा आसान और सरल होगा। जैसे कि आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज। परसेंटेज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान, इजी और आसान तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन वन बाय वन कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। चलिए देख लेते हैं। एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ता का औसत वेतन 5200 रुपये है, यानी 5200 है पुरुष कार्यकर्ता का वेतन, और महिला का 4200 रुपये है। देखिए, मैन और वोमैन, पुरुष का है 5200 और महिला का है 4200। क्लियर? और सभी श्रमिकों का औसत वेतन होगा 5000। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिगेशन का यूज करेंगे। एलिगेशन का यूज बड़ा आसान और सिंपल होता है, तो इसको भी सीख लीजिए। एलिगेशन, दोनों का औसत वेतन है 5000 रुपये, जबकि पुरुष और महिलाओं का अलग अलग औसत वेतन 5200 4200 है, और दोनों का औसत वेतन है 5000 रुपये। अब देखिए, औसत एलिगेशन लगाने का तरीका ये भी है, इसमें चेक भी कर लेना चाहिए। जो एवरेज होता है ये वाला बीच का, दोनों के सेंटर का, यो इन दोनों में एक से छोटा होता है और एक से बड़ा, कोई से भी एक से छोटा और एक से बड़ा। तो इससे तो ये छोटा है और लेकिन इससे बड़ा है, ये एलिगेशन की पहचान भी होती है, तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। तो एलिगेशन में आमने सामने का ऐसे अंतर इधर लिखेंगे और इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे। ये तो फार्म में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत बताना। देखिए, पुरुष श्रमिकों का कितना प्रतिशत है, तो चलिए देख लेते हैं। आमने सामने में दोनों का अंतर हो जाएगा यहाँ पर 800, और यहाँ दोनों का अंतर हो जाएगा 200। 200 एकम 200 चौका 800। देखिए, एक और चार का रेशो होता है ये 20%, ये 80%। तो आप कह सकते हैं पुरुष श्रमिकों का जो प्रतिशत है वो 80% है। 20 एकम 20 20 चौका 80, तो आप इसको 80% कह सकते हैं। क्लियर? तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा आसान और सरल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, देख लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 150। 150 में भी आपके लिए एलिगेशन का यूज करके दिखाएंगे। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। देखिए, गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या अब 4500 हो जाती है। देखिए, 4000 से 4500 यानी कि 500 बढ़ गया। तो 4000 पर 500 बढ़ जाने का मतलब है 500 × 4000, यानी कि 1/8 को कह देंगे हम 12.5% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि? 12.5% की वृद्धि हुई, जबकि यहाँ पर उसने बताया है मैन और वोमेन की प्रतिशत वृद्धि, मैन की 10%, वोमेन की 20%, और दोनों का जो एवरेज वृद्धि हुआ वो 12.5% हुआ है। एलिगेशन यूज करेंगे, आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे। यहाँ पर 12.5 और 20 होता है यहाँ पर 7.5, 7.5 का अंतर होगा, और यहाँ पर 2.5% का अंतर होगा। क्लियर? देखो, 2.5 × 2.5 = 7.5। क्लियर? यानी 3:1 का रेशो है यहाँ पर। तो अब हम आसानी से बताएंगे, नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, जबकि टोटल 4000 थी। तो 4000 में पुरुषों की संख्या 3000, महिलाओं की संख्या 1000, रेशो के अकॉर्डिंग हम यहाँ बता सकते हैं 3000 4000। वही तरीका, इक्वल टू इक्वल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर इक्वल टू इक्वल, तो यहाँ पर भी हमारा टोटल पुरुष महिलाओं की संख्या 4000, हमारा यहाँ रेशो टोटल हो गया 3 और 1 4, एक रेशो की वैल्यू हो गई 1000, कटिंग किया और 3 की गुणा हो जाएगी 3000। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो पुरुषों की जो संख्या थी वह थी 3000। अब देखिए, एक तरीका तो यह है, ये है एलिगेशन मेथड, इससे भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा बहुत अच्छा, वो भी आप सीख सकते हैं।
देखिए ये वाला तरीका। गांव में कुल जनसंख्या 4000 से 4500 हो गई, यानी कि 500 बढ़ गई। देखिए 500 बढ़ गई, क्लियर है। अब पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि। देखो यहाँ पर मैन और वोमेन में 10% और 20% की वृद्धि हुई, क्लियर है। तो जनसंख्या 4500 हो जाती है, यहाँ से यहाँ देखिए 500 बढ़ गया। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या बतानी, देखिए ये वाली। तो जिसका मान पूछेगा उसको छोड़ देंगे, दूसरे से निकाल लेंगे। जब अज्ञात संख्या हो, यहाँ पर स्पष्ट ना पता हो, तो ये वाली टेक्निक यूज कर लेते हैं। पुरुषों की संख्या निकालनी है हमें, तो महिलाओं की संख्या से क्वेश्चन हल करेंगे। तो 4000 का 20% होता है 800। देखिए 800 हो जाएगा। तो देखो 800 है हमारा जो संख्या में वृद्धि दिख रही है 800, और यहाँ वृद्धि है 500। दोनों का अंतर कितना हो गया 300। देखिए दोनों का अंतर हो गया 300। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे, अंतर बराबर अंतर। तो यहाँ पर 300 का अंतर है और हमारा यहाँ पर परसेंट में 10% का अंतर है दोनों में। तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी, देखिए परसेंट से एक जीरो हटी, एक यहाँ पर लगा दी, लीजिए पुरुषों की संख्या आ गई 3000 पुरुष थे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 151, देखिए क्वेश्चन नंबर 151 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। किसी किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं द्वारा पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। देखिए 600 बोतलें खरीदती है, 20% माल पहले विक्रेता द्वारा और 80% माल दूसरे विक्रेता द्वारा लिया जाता है। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बोतल का विक्रय मूल्य 25 रुपये है, दूसरे विक्रेता के सामान को यानी कि इस वाले के सामान को देखने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% सामान केवल एक दिन तक ही इस्तेमाल किया जाता है, 25% सामान। तो सबसे पहले देखेंगे दूसरे विक्रेता से कितनी बोतलें उसने ली है। तो 600 का 80% परसेंट से 2 0 6 48 480 बोतलें, 480 बोतलें दूसरे विक्रेता से ली है उसने 480, और 480 बोतलों का 25% सामान केवल एक दिन तक ही इस्तेमाल किया जाता है, केवल एक दिन तक। 25% होता है एक चौथाई बोतलें कितनी हो गई, 120 बोतलें। 480 का एक चौथाई होता है 120 बोतलें एक दिन तक ही इस्तेमाल की जाती है। वह माल वापस करने का फैसला करता है, उसे दूसरे विक्रेता से कितना पैसा मिलेगा। अब ये देखना है हमें, उसे दूसरे विक्रेता से कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 120 बोतलें हैं, ये 120 बोतलें बिकती है केवल एक दिन तक। तो 120 गुणा क्या रेट है उसका, एक बोतल का विक्रय मूल्य है 25 रुपये, 25 में गुणा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 12 5 60, 6 2 24 और 6 30, 3000 रुपये। देखिए 3000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152, देखिए क्वेश्चन नंबर 152, मॉरिस ने अपनी आय का 25% भोजन पर, देखिए आय का 25% होता है 25 कम 25 चौक 100, आय होगी उसकी 4 और भोजन पर खर्च किया उसने 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे उसकी आय हो गई 4 और भोजन पर खर्च किया उसने 1, रेशो में कन्वर्ट कर दिया मैंने ये 25% को। उन्हें 1000 रुपये की वृद्धि मिली,
लेकिन उन्होंने खाद्य सामग्री यानी कि भोजन पर खर्च नहीं बढ़ाया, यानी कि अपनी जो आय थी उस पर उसका खर्च नहीं बढ़ा और उसका भोजन का खर्च 20% कम हो गया। देखिए तो देखिए 4 का 20% कितना होता है, 20/100, यानी कम हो गया 20% कम हो गया, 20 × 20 = 100, 4/5। तो यहाँ लिख लेंगे हम अपना 4/5 और इस पर कोई खर्च नहीं बढ़ा, ये सेम रहेगा। तो यहाँ हम रेशों में देख लेंगे, इसको रेशों में कन्वर्ट कर लेंगे सही तरीके से, इसको 5 को इधर ले जाएंगे, 4 यहाँ पर ही रहेगा, 4/5, क्लियर। अब देखिए अंतर बराबर अंतर करेंगे, देखिए जैसे ही उसे 1000 रुपये की वृद्धि मिली, अंतर ही तो है 1000 रुपये का, तो हमारा यहाँ 4/5 का रेशो बन गया, 4 से 5 अंतर 1 का आ गया, 1 से 1000 को काटेंगे 1000 बार, और आरंभिक आय उसकी 4 थी, 4 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 4000 रुपये आए, तो उसकी आरंभिक आय आ जाएगी। उसकी आरंभिक आय कितनी थी, 1 रेशो की वैल्यू 1000 है, 4 की होगी 4000, तो 4000 रुपये उसकी आरंभिक आय थी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153, देखिए क्वेश्चन नंबर 153, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, यानी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करना जरूरी है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया। देखिए पहले में कितना अंक प्राप्त किया, 200 का 40% होता है 80, 200 का 40% होता है 80, चेक कर लीजिए, 200 का 40% से मैंने 2 जीरो काटा, 20 × 80, ऐसे 80% होता है, क्लियर है, देख लीजिए। ये परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होंगे, और दोनों प्रश्न पत्रों में उसने पहले ही कहा है कि 50% अंक लाना है, तो देखिए दोनों प्रश्न पत्र 350 के हो गए, 350 का 50% 1/2, 175 होता है, तो 175 में से उसने 80 अंक प्राप्त कर लिए, दूसरे में उसे लाने हैं 95, दूसरे में उसे 95 अंक लाने, क्योंकि 175 में से 80 तो इसने ले ही लिए, तो दूसरे में 95 अंक लाने, कितने में से लाने, 150 में से 95, कितना परसेंट लाने हैं, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से 50 × 150, 50 × 100, 95 × 190 3, 3 × 18 1 हो गए 10, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 3, ऐसे 63.33%, तो इसको हम लगभग लिख सकते हैं 64% के, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 64। क्वेश्चन नंबर आता है 154, देखो माइंडली क्वेश्चन है, सभी बहुत अच्छी तरीके से समझे और जबरदस्त सॉल्यूशन आपका बनता है। देखो एक कक्षा में 82% छात्र पास हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, 82 और 2 जोड़ेंगे 84, फेल हुए छात्रों की संख्या 592 है, देखिए इक्वल टू इक्वल लगेगा, संख्या में फेल हो गया तो परसेंट में फेल करेंगे, 592 फेल है तो इधर परसेंट में फेल करेंगे, 100% में से 84% घटाएंगे, 16% फेल, तो 16% फेल के बराबर है ये, तो जैसे ही फेल से फेल काटेंगे कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी, देखो परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई, 16 × 3 = 48 हो गए 112, 16 × 7 = 112, 2 जीरो ये आ गया 3700 छात्रों की संख्या, कुल संख्या थी 3700, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3700।
क्वेश्चन नंबर 155, देखिए क्वेश्चन नंबर 155, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले हैं। देखिए अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिलते हैं, ये 75% थे। देखिए कुछ अंक मिले, कुछ नंबर्स मिले और ये 75% थे, कोई दिक्कत? देखिए यदि परीक्षा में एक अंक का 1% जोड़ दिया जाए, देखिए एक अंक का 1% और जोड़ दिया जाए तो पहले जितने अंक थे उसमें एक अंक और बढ़ेगा, और 1% जोड़ दिया जाए तो उसे प्राप्त 76% अंक हो जाएंगे। कितने परसेंट? 76% अंक प्राप्त होंगे। तो देखिए अंतर बराबर अंतर करेंगे तो यहाँ दोनों का अंतर बराबर 1 आ गया। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 इधर और इन दोनों की गुणा इसके साथ होगी 76 के साथ, तो हम लिखेंगे 76n प्लस 76 माइनस 75n बराबर एलसीएम 100, इधर पहुंच जाएगा एक में, तो 76n में से 75n घटाएंगे 1n बराबर 100 में से 76 घटाएंगे 24। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 24। तो पूछा है परीक्षा के आरंभिक अधिकतम अंक थे 24 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 24। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 156, देखिए एक परीक्षा में चंद्रन ने 45 में से 16 अंक प्राप्त किए, उसके पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी उसे और 48% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि दूसरी परीक्षा के कुल अंक 80 थे, पहली परीक्षा में 45, दूसरी में 80, 80 45 125, 125 में से उसे 48% अंक प्राप्त करने, तो इसका 48% हो जाएगा 25 पंजे और 25 चौक 100, 4 से काटा 12, 12 पंजे 60 अंक। यदि दूसरी परीक्षा के कुल अंक इतने हैं तो यदि वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा है तो उसने कितना अंक प्राप्त किया, तो 60 में से 16 घटाएंगे 44 अंक प्राप्त किया। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 44। क्वेश्चन नंबर 157, 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। देखो बॉयज गर्ल से दुगने हैं रेशो में, लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है और टोटल छात्रों की संख्या 135 है, इक्वल टू इक्वल लगेगा ये वाला कंसेप्ट। हमारा यहाँ टोटल हो गया 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 दुनी 90 लड़के हैं और 45 लड़कियाँ हैं। देखिए लड़कों की संख्या हो गई 90, लड़कियों की संख्या हो गई 45। क्लियर? अब पूछा है वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हो गए, तो छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देखिए 1/6 फेल हो गए तो 6 में से 1 घटाएंगे, 5/6 पास हो गए, तो पास छात्रों का परसेंट हमें बताना। 1/3 लड़कियां फेल हो गई तो 2/3 पास हो गए। अब देखिए इन्हें कटिंग करेंगे, 6 से इसको काटा 15 बार, 15 पंजे 75 प्लस 3 से 15, 15 दूनी 30, 105 हो गए ये पास। कितने में से? 135 में से, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 15 सत्ते 105, 15 नम्बे 135, ये आ जाएगा 700/9%। अब इसको हल करेंगे, देखिए 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 7 9 सत्ते 63, 77 इसमें आ रहा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 77.78%, ये रहा। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की कक्षा में
बॉयज़ और गर्ल्स, 50 लड़कियों, देखो ये गर्ल्स है, पहले गर्ल्स दिया है फिर बॉयज़ दिया है, 50 लड़कियों 70 लड़कों के कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना परसेंट हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? 40% लड़कियां, 2/5 होता है 40%, और 50% लड़के आधे होते हैं, तो इसको हल करेंगे, 5 × 50 = 10 × 20, 2 से 35, तो 35, 20, 55 स्टूडेंट हो गए, कितने में से, 120 में से, कितना परसेंट, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे, कितना परसेंट बैठेगा, 20 × 120 = 100, 5 × 25 = 25, 2 × 27 = 6, 6 × 24 = 3, 6 × 30 = 5, 6 × 48 = 48, लगभग 40% आ जाएगा। 45.8 का मतलब हो गया लगभग 40%, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा।